जो, क्या तुमने कभी शुष्क सेल के आंतरिक भाग देखे हैं? नहीं बॉब, मैंने नहीं देखा। अब मैं तुम्हें एक सेल के आंतरिक भाग दिखाऊंगा। ठीक है। एक पुरानी शुष्क सेल ले, बाह्य आवरण को इस प्रकार हटाए। अब हम आंतरिक भाग देख सकते हैं। ये जिंक कैन है, ये आंतरिक भाग को ढकता है। कार्बन की छड़ जो मध्य में स्थित है उसे बाहर निकालो। अब इसे काटकर जिंक प्लेट अलग कर दे। अब हम काला लेप देख सकते हैं। एवं अंदर सफेद लेप देख सकते हैं। ये सफेद लेप अमोनियम क्लोराइड है एवं काला लेप मैंगनीज डाइऑक्साइड है। हे शानदार बॉब, अब मैं तुम्हें एक कार्य दूंगी। अच्छा, क्या काम है जो? क्या तुम इन भागों से एक सेल बना सकते हो? ये रोचक कार्य है जो। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे अपना स्वयं विद्युत सेल बनाते हैं। ऐसा क्या? चलो मुझे दिखाओ। ठीक है, ये कार्बन की छड़ एवं जिंक प्लेट, नींबू, तांबे का तार एवं एक छोटा बल्ब ले। अब जिंक प्लेट ले एवं इसे एक सैंड पेपर से साफ करें। अब इसे इस प्रकार एक छड़ की तरह मोड़े। चलिए अब इन दो छड़ों को नींबू के अंदर प्रवेश कराएं। अब इन तारों को एक बल्ब से जोड़ें। दिखाया बॉब, परंतु यह कैसे चमकता है? इसमें नींबू का रस विद्युत उपघटाई की तरह कार्य करता है, अतः यह चमक रहा है। जो, तुम्हें सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि यहाँ दो छड़े नींबू के अंदर एक दूसरे को नहीं छूती। ठीक है बॉब, अब मैं जाऊंगी एवं इसे अपने दोस्तों के साथ करूंगी। अलविदा बॉब। अलविदा दोस्त।